कंपनी 6.5 रुपये किलो के हिसाब से अगर दे रही है तो वो एग्रीमेंट होता है। उस पर भी कुछ टर्म और पॉलिसी होती है जो कि आपको वीडियो में नहीं बताते हैं। इस वीडियो में वो सारी टर्म और पॉलिसी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में बने रहें, बीच में स्किप ना करें ताकि वो और टर्म और पॉलिसी कहीं ना कहीं तो आप लोग फिर छोड़ दोगे। बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप इंटीग्रेशन फार्मिंग करेंगे कोई भी सुपरवाइज़र आपसे अगर पैसा मांगता है तो वो पैसे ना दे, क्योंकि वो कंपनी की पॉलिसी नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग राज राधा पोल्ट्री चैनल पर। तो दोस्तों, एक भाई ने हमें पर्सनली कॉल करके पूछा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में एक अच्छी सी वीडियो बनाइए, पूरा ढंग से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में समझाइए कि क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इंडिया में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे काम करती है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम कैसे कर सकते हैं किसी कंपनी के साथ में। तो इस वीडियो में चलिए आपको पूरा अच्छे से विस्तार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है और ये आप कैसे कर सकते हैं, कैसे किसी कंपनी के साथ जुड़कर आप एक अच्छा व्यापार कर सकते हैं, ब्रॉयलर फार्मिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज आपको विस्तार से सब कुछ समझाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को करने के लिए आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। तो वीडियो में बने रहिए ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ मैं बता सकूं और आप भी अच्छे से हर चीज़ समझ सकें। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और उससे पहले अगर आप वीडियो छोड़ के भागते हैं तो ये आपका ही नुकसान है, सर मेरा कुछ नहीं जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है, जिसे इंटीग्रेशन फार्मिंग भी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में असल में कंपनी होती हैं जो कि आपको ब्रॉयलर बर्ड देती है, यानी कि अगर आप ब्रॉयलर फार्मिंग व्यवसाय में आप काम कर रहे हैं या आप उसके इच्छुक हैं तो आपके पास पैसा नहीं है इतना कि आप बाहर से अपना प्रॉपर बर्ड खरीद सकें और उनको खिलाने के लिए फीड खरीद सकें, तो उस केस पे आप खाली फार्म बनाकर अपना एक कंपनी से जुड़कर इंटीग्रेशन फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसे हम बोलते हैं वो आप कर सकते हैं। इसमें कंपनी आपके साथ में कुछ टर्म और पॉलिसी के साथ में आपके साथ में एग्रीमेंट करती है जो कि 8 महीने से 9 महीने की होती है, जिसके बेस पर वो आपके साथ में काम करती है। उनके कुछ रूल्स होते हैं जो कि उस एग्रीमेंट में सब कुछ मेंशन होते हैं जिसके बिहाफ पर वो आपके साथ में काम करती है और आपको भी उनके साथ में काम करना होता है। तो चलिए आज मैं आपको सारे रूल्स और एग्रीमेंट में जो जो चीज़ होती हैं सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा, ताकि आपको इस वीडियो के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे की जाती है और उसके बाद में आपको कोई और वीडियो सर्च ना करनी पड़े। ये वीडियो आपके लिए आखिरी वीडियो हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के सर्चिंग बोर्ड पर। तो भाइयों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए सबसे पहले आपके पास में खुद की ज़मीन होनी चाहिए और उस ज़मीन पे खुद का एक शेड होना चाहिए। जितने हज़ार की आप फार्मिंग करना चाहते हैं उतने हज़ार का एक शेड होना चाहिए, जिससे आप उसमें कंपनी के थ्रू बच्चे डाल सकें। जब यहाँ तक आपका प्रोसेस पूरा हो जाता है उसके बाद आप अपने लोकल एरिया में जो इंसान फार्मिंग कर रहा है आप उससे जाके कॉन्टेक्ट कीजिए कि आपके आसपास में वो किस तरह काम कर रहा है, क्या वो इंटीग्रेशन पे काम कर रहा है या वो प्राइवेट काम कर रहा है। अगर वो प्राइवेट काम कर रहा है तो और कोई भी आसपास में होगा जो इंटीग्रेशन पे काम कर रहा होगा, वहाँ से आप उस कंपनी का नंबर लीजिए, सुपरवाइज़र का नंबर लीजिए और उसको अपने फार्म पे विज़िट करने के लिए बुलाइए ताकि वो आपको फार्म को देख सके और उसके बाद में वो आपसे इंटीग्रेशन के लिए फॉर्म फिलअप करा सके। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर जब भी आप फार्म बनाएं तो देखिएगा उसके लिए रोड अच्छा खासा होना चाहिए ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि जब फार्म के लिए आपका माल के लिए जब दाना आता है, बच्चा आता है और जब वो सेल होता है उस टाइम पे बहुत दिक्कत आती हैं, गाड़ियाँ पलट जाती हैं, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, जिसकी वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उस चीज़ का ध्यान रख कर ही अपना फार्म ऐसी ज़मीन पर बनाएं जिससे ये दिक्कत आपको ना आए और कोई भी कंपनी आपको बच्चा देने से मना ना कर सके। ये चीज़ का ध्यान रख कर ही आप अपना शेड रेडी करें। तो जिसको नहीं पता कि हम कम कॉस्ट में कैसे अच्छा और बेहतर शेड बना सकते हैं तो मैं अपने वीडियो में मेंशन कर दूंगा, क्योंकि मैंने उसके ऊपर ही पूरी वीडियो बना रखी है, आप उसको देखकर कम खर्चे में अपना शेड रेडी कर सकते हैं। तो जब सुपरवाइज़र आपके फार्म पे विज़िट करने आएगा तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगा, जिसमें आपका खतौनी होगी जहाँ पे आपका फार्म बना हुआ है उसके ज़मीन के कागज़ वगैरह होंगे, प्लस आपका बैंक अकाउंट होगा, चालू 6 महीने करीबन पुराना बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, उसका मिनी स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ मांगेगा, प्लस आपके 2 चेक या 3 चेक भी आपसे ले सकता है।
साथ में दो गारंटर भी आपसे लिए जाएंगे, जिसके भी जिनके भी चेक वगैरह लगा करेंगे, उन चेकों पे साइन होंगे उन गारंटर के, और आपके चेक पे खुद के आपके साइन होंगे असली ओरिजिनल वाले, और उन गारंटर के और आपके दोनों के आधार कार्ड पैन कार्ड भी लगाया जाएगा। साथ में 500 रुपये का या 100 रुपये का स्टैम्प पेपर में एग्रीमेंट भी किया जाएगा। वो सब कुछ आपको कराना पड़ेगा, वो कंपनी का जो भी बंदा होगा, जो भी कंपनी होगी, आपको बता देगी कि एग्रीमेंट में आपको क्या लिखवाना है क्या नहीं लिखवाना है, उसके बिहाफ पे आपका एग्रीमेंट होगा। अब ये सब चीज़ें, अब जब आपसे हम चेक वगैरह मांगते हैं तो हमारे मन में कई सारे शंका और सवाल आ जाते हैं कि हमसे ब्लैंक चेक क्यों लिया जा रहा है, वो भी साइन किया हुआ, कहीं हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, और यही चीज़ हम सोच के डर के पीछे पैर हटा देते हैं। पर असल में चेक आपसे कंपनी इसलिए लेती है वो ताकि आपको अपना जो भी माल दे रही है उसकी सिक्योरिटी हो सके, क्योंकि नहीं पता कौन सा फार्म या कौन सा फार्मर भाई उस चीज़ को साथ में घपलाबाजी कर दे या चोरी चपाटी कर दे, तो वो उस चीज़ को सिक्योर रखने के लिए आपसे आपके चेक लेती है, प्लस आपके गारंटर की भी चेक लेती है, ताकि अगर आप कुछ करते हैं तो वो गारंटर के थ्रू उनको प्रेशर देकर आपसे उनका पैसा रिकवर करवा सके। इसलिए वो सिर्फ इस चीज़ के लिए गारंटर की चेक और आपके चेक रखती है, बाकी उन चेकों का कोई मतलब नहीं होता, वो एक रद्दी पेपर की तरह साइड में कूड़े में फेंक जाते हैं। वो सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए उनको अपने पास में रख लेती है, और जब आपका एग्रीमेंट ख़त्म होता है, आप उस कंपनी से काम नहीं करना चाहते हैं, तो उन सभी चेकों को, सभी कागज़ों को वापस ले सकते हैं। वो सारे कागज़ आपको वापस फिर से दे दिए जाते हैं, क्योंकि उन कागज़ों का सिर्फ उनका इतना ही मतलब होता है कि अगर आप कुछ गलत कार्य उनके साथ करते हैं तो वो आपके साथ में कोई एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी आपको अपना पूरा माल दे चुकी होती है, जिसमें वो अपना बर्ड और अपना दाना और अपना मेडिसिन सब कुछ होता है। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन पे, हमें कंपनी क्या क्या देगी और हमें कंपनी को क्या क्या देना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंपनी हमें इंटीग्रेशन होने के बाद हमें चिक्स देती है, फीड देती है, मेडिसिन देती है। कुछ कंपनी मेडिसिन नहीं देती, जो आपको बाहर से ले लगानी पड़ती है, पर कुछ कंपनी प्रोवाइड करा देती है, और साथ में एक सुपरवाइज़र देती है जो कि आपके फार्म पर रेगुलर विजिट कर सके, और कोई दिक्कत हो तो वो आपको बता सके, ताकि आप उसका सही टाइम पे उपचार कर सके। अब बात करते हैं कि हमें अपनी तरफ से क्या लगाना पड़ेगा। तो आपका सबसे पहला बड़ा इन्वेस्ट आपका खुद का शेड होता है, जो कि आपको खुद बनाना पड़ेगा, प्लस इलेक्ट्रिसिटी आपके फार्म पे होनी चाहिए, जो कि उसका पूरा बिल का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, प्लस लेबर का खर्चा फार्म पे, छोटे से मोटे से लेके हर चीज़ की दिक्कत सब आपको देखनी पड़ेगी, यहाँ तक कि नीचे जो बिछावन आप यूज़ कर रहे हैं उसका खर्चा भी आपको उठाना पड़ेगा। कंपनी का सिर्फ मेडिसिन, बच्चा और फीड ये होता है, उसके अलावा कंपनी आपको कुछ नहीं देती है, बाकी सब आपको अपनी जेब से लगाना होता है। अब इन सब के बाद में जब आपका लॉट रेडी हो जाता है सेल करने के लिए, तो एग्रीमेंट के थ्रू पे आपको पर किलो के हिसाब से जो भी आपका रिजल्ट रहता है उसके हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाता है। जैसे कि आपको कोई कंपनी 6.5 रुपये किलो के हिसाब से अगर दे रही है तो वो एग्रीमेंट होता है, उस पर भी कुछ टर्म और पॉलिसी होती है जो कि आपको वीडियो में नहीं बताते हैं। इस वीडियो में वो सारी टर्म और पॉलिसी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में बने रहें, बीच में स्किप ना करें, ताकि वो और टर्म और पॉलिसी कहीं ना कहीं तो आप लोग फिर छोड़ दोगे। तो जैसे मान लो कि मैंने कोई कंपनी से एग्रीमेंट किया है, तो उस एग्रीमेंट में कुछ पॉलिसीज ऐसी भी होती हैं, जैसे कंपनी मांगती हैं कुछ अंदाज़ा लेती हैं कि जैसे मान लो कि मेरे को 85 रुपये में अपना बच्चा रेडी चाहिए, अगर 85 रुपये तक मेरा बच्चा रेडी हुआ तो 6.5 रुपये के हिसाब से हमारी और आपके बीच में टर्म हुई थी, पॉलिसी हमने करी रखी थी, तो मैं आपको 6.5 रुपये किलो के हिसाब से जो भी आपका बॉडी वेट है उस हिसाब से मैं आपको पेमेंट दूंगा। पर अगर आपने 85 रुपये से 1 रुपया भी अगर ऊपर कर दिया, यानी कि बच्चे की तैयारी आपने ऊपर पहुँचा दी, तो मैं आपसे पर रुपये के 50 पैसे चार्ज करूँगा, जिसमें 1 रुपये का जो नुकसान आप मुझे दे रहे हो उसका आपको भी भोगना पड़ेगा और मुझे भी भोगना पड़ेगा। तो 1 रुपये को हम 2 हिस्से में बांट देते हैं, 50 पैसे कंपनी झेलती है और 50 पैसे आप झेलती हैं, यानी कि जहां आपको 6.5 रुपये मिल रहे होते हैं वहीं आपको 6 रुपये के हिसाब से पेमेंट लगाई जाती है।
ये तो था नेगेटिविटी पॉइंट कंपनी की। अब इसकी बात करते हैं पॉजिटिविटी की। कंपनी आपसे अगर 85 रुपये में बच्चा रेडी करने के लिए बोल रही है और आपने 84 रुपये में रेडी कर दिया बच्चा, तो जहां आपसे कंपनी 50 पैसा काट रही थी वहीं आपको कंपनी 50 पैसा फालतू देगी, क्योंकि आपने कंपनी को 1 रुपये का प्रॉफिट दिया है तो उसमें भी कंपनी बराबर का साझेदारी आपसे करती है। 50 पैसा कंपनी रखती है और 50 पैसा आपको देती है। तो जहां आपको 6.5 रुपये मिल रहे होते हैं वहीं आपको 7 रुपये के हिसाब से पेमेंट की जाती है। ऐसी अगर आपने और भी कम रुपए में अगर आपने तैयारी करके दे दी तो आपको पेमेंट और ज़्यादा बढ़ा के दिया जाता है। वहीं आपने तैयारी ज़्यादा में करके दी तो वहीं आपको और कम पेमेंट करके दिया जाता है। ये कंपनी का तरीका होता है, पॉलिसी होती है पेमेंट करने की। अब बात करते हैं मोडलिटी की, यानी कि फार्म पे हमारा बच्चा आता है तो सारा बच्चा जितना आया उतना तो पूरा वापस नहीं जाएगा, कुछ बच्चे मर भी जाते हैं, तो उस केस पे कंपनी क्या करती है आपको 5% मोडलिटी फ्री छूट देती है कि अगर 5% तक आपके फार्म पे मोडलिटी हुई तो उसका हम कोई चार्ज नहीं काटेंगे, क्योंकि इतनी नॉर्मल अगर आप पूरा लॉट निकाल रहे हैं तो नॉर्मल मोडलिटी के अंदर आ जाता है। अगर कोई वायरल आता है उस केस पे कंपनी अगर 5% से ऊपर मोडलिटी हो जाती है तो नहीं काटती पैसा, कोई वायरल आ जाता है तो। बट बिना किसी वायरल के, बिना किसी दिक्कत के अगर आपके 5% से 6% से ज़्यादा मोडलिटी हो रही है तो कंपनी आपसे बराबर जो बच्चे फालतू मरे उसका चार्ज काटती है। और वो चार्ज काटने का तरीका होता है जितना बच्चे ने फीड खाया हो, टोटल बॉडी वेट जो बच्चों का लास्ट में निकला है उसके हिसाब से चार्ज होता है। जितना बच्चे ने फीड खाया हो, कितना रुपए का बच्चा कंपनी का पड़ा था, वो सब कुछ ऐड करके आपसे पर बच्चे का चार्ज काटती है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। पर बच्चा आपका 180-200 रुपए के हिसाब से बैठ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। इसलिए जो भी मेरे फार्मर भाई इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हों, उनको एक ही, जो काम करना चाह रहे हों उनको एक ही सलाह दूंगा, जब भी आप काम करें तो इस चीज़ का ध्यान रख के काम करें कि कोई भी बच्चा आपका फालतू ना मरे। सेफ्टी से काम करें, ज़्यादा ध्यान देके काम करें ताकि आपको बेनिफिट ही मिले, नुकसान ना मिल सके। इंटीग्रेशन फार्मिंग से आपको सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आपकी मार्केट रेट बाहर क्या है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो पेमेंट मिलना है वो मिलेगा ही। आपको बाहर से कोई लेन देन नहीं है, मार्केट क्या चल रहा है, डाउन चल रहा है, हाई चल रहा है, उससे आपको कोई टेंशनबाजी नहीं है। आप इजीली अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। पर जब मार्केट रेट हाई चल रहा है तो कंपनी आपको उसका भी बेनिफिट देती है। कंपनी आपको हर जगह पे बेनिफिट देने की कोशिश करती है ताकि आप लोग भी ईमानदारी से, अच्छे से और मेहनत करके कंपनी को भी बेनिफिट दे सकें। इसी वजह से कंपनी आपको हर जगह पे बेनिफिट देने की पूरी कोशिश करती है। जैसे अगर आपका मार्केट रेट आज की डेट पे अभी 100 चल रहा है, 100 से जैसे जैसे ऊपर चलेगा कंपनी वैसे वैसे आपका पेमेंट भी बढ़ाती जाएगी, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये कर तक आपको कंपनी बढ़ाती जाएगी, ताकि आपको भी बेनिफिट अच्छा हो। उन्हें बेनिफिट मिल रहा है तो आपको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखकर ही सारा एग्रीमेंट होता है और वही चीज़ का ध्यान रखकर वो आपको पेमेंट भी देती है। तो इंटीग्रेशन फार्मिंग क्या होती है, इंडिया में इंटीग्रेशन फार्मिंग कैसे चलती है, मैंने इसके बारे में पूरा वीडियो में ढंग से बताने की कोशिश की है। तो जो भी मेरे नए फार्मर भाई जो भी इंटीग्रेशन फार्मिंग करना चाहते हैं, वो अगर इंटीग्रेशन पे आना चाहते हैं तो उस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इंटीग्रेशन फार्मिंग समझ सकें और उसके बाद ही इंटीग्रेशन फार्मिंग पे पैर रखें अपना। इंटीग्रेशन फार्मिंग आज के डेट पे काफ़ी अच्छी चल रही है, बट कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो इंटीग्रेशन के नाम पर आप लोगों को लूट रही हैं, उन कंपनियों से सावधान रहें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप इंटीग्रेशन फार्मिंग करेंगे कोई भी सुपरवाइज़र आपसे अगर पैसा मांगता है तो वो पैसे ना दें, क्योंकि वो कंपनी की पॉलिसी नहीं होती है। आपसे कोई भी सुपरवाइज़र अगर पैसा चार्ज करता है तो पैसे ना लें, क्योंकि वो कंपनी की पॉलिसी नहीं है, वो अपनी जेब खर्च के लिए आपसे पैसा चार्ज कर रहा है। और जब भी आपका पेमेंट आता है, आपका पूरा बैच निकल जाता है, उसके बाद अपनी डीसी जरूर लीजिए, क्योंकि कई कंपनियां डीसी नहीं देती है, क्योंकि कंपनी डीसी देती हैं पर कई सुपरवाइज़र आपको डीसी नहीं देते हैं, क्योंकि उस डीसी के बीच में वो आपके साथ में काफ़ी सारा घोटाला कर चुके होते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप इंटीग्रेशन फार्मिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं और अपना बिजनेस, अपना व्यापार खुद का डाल सकते हैं, चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नई वीडियो, नए ब्लॉग पर कुछ नया टॉपिक के साथ में।